नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मोटरोला एज 50 प्रो 5G मोबाइल में किस तरीके से आप फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेट कर सकते हो, यानी कि अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐप लॉक को कैसे लगाना है। दोस्तों, ऐप लॉक लगाने के लिए ये एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ऐप लॉक इसका नाम है। अभी मैं बताऊंगा इसको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही एक पासवर्ड क्रिएट करना है अपने ऐप लॉक के लिए और राइट के निशान पर क्लिक करना है, फिर से वही पासवर्ड कन्फर्म कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर नो करना है अभी, और यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाएगा, प्लस के आइकन पे चले जाना है। अब जिस भी ऐप्स को आप लॉक करना चाहते हो उन सभी को इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसकी परमिशन को दे देना है, जो भी परमिशन मांगता है उसको आपको परमिशन देना है। ओके करना है और यहाँ पर ऐप लॉक रहा है, नॉट अलाउड दिख रहा है, इसको आपको परमिशन दे देना है। ओके करना है और फिर से अलाउ कर देना है। अभी ये ऐप्स आपके लॉक हो चुके हैं। अभी इन ऐप्स में लॉक तो हो चुके हैं, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए यूज़ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल कर दीजिए। अब आपके ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट भी लग चुका है। यहाँ पर मैंने क्रोम को लॉक किया था तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट मांग रहा है। जैसे मैं फिंगरप्रिंट दे देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सिंपली आपको फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, सर्च बार पर लिख देना है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट। जैसे आप ऐप लॉक फिंगरप्रिंट लिखोगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी, ऐप लॉक फिंगरप्रिंट एसपी सॉफ्ट। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद जो भी प्रोसेस मैंने बताया उसको आप कर लीजिए, बस आपका ऐप लॉक सेट हो जाएगा। दोस्तों और कोई तरीका इसमें नहीं है, बस यही इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है ऐप लॉक कर सकते हो।